तो आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीए माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग। तो एक्सेल में वीवीए प्रोग्रामिंग क्या होता है, कैसे होता है, इन चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमने एक्सेल खोल लिया, उससे पहले हम समझते हैं कि वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग करने से पहले हमें क्या प्रिपरेशन करनी होगी। सबसे पहले तो आपके पास डेवलपर टैब होना चाहिए, बट डेवलपर टैब डिफॉल्ट नहीं होता है, तो उसके लिए कहां से लाएंगे, तो फाइल मेनू बार में यहां ऑप्शन होता है, ऑप्शंस में, एक्सेल ऑप्शंस में आपके नीचे यहां कस्टमाइज रिबन पे आते हैं, तो यहां से डेवलपर टैब ऑन कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट अनचेक होता है। तो डेवलपर टैब होना चाहिए, क्यों, क्योंकि आप जो है इसकी इंटरफेस कर सके, क्योंकि इसी में सारे फीचर्स होते हैं। अगर डेवलपर टैब नहीं लाए हैं या फिर किसी और पीसी पे जहां लाना नहीं है, तो व्यू में भी आपके पास मैक्रो का यूज होता है, लेकिन रिकॉर्ड मैक्रो और व्यू मैक्रो होता है, रन कर सकते हैं या रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन इसका शॉर्टकट होता है विजुअल बेसिक लाने का, जो वीवीए जो है इस कोडिंग वाले प्लेटफॉर्म को लाने के लिए शॉर्टकट होता है Alt+F11, उसको प्रेस कर सकते हैं। तो Alt+F11 प्रेस करते हैं तो आपके सामने एक VVE विजुअल बेसिक एडिटर खुल के आता है। इसको कोई इंस्टॉल नहीं करना होता है, एक्सेल के साथ इनबिल्ड होता है। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा सेटअप वगैरह इंस्टॉल करने की जरूरत है, नहीं नहीं ये इनबिल्ड होता है, इससे मैं बाद में आता हूँ। फिर वापस हम बात कर रहे हैं माइक्रो सिक्योरिटी की। देखिए बाय डिफॉल्ट जो है आपकी माइक्रो सिक्योरिटी डिसेबल होती है, डिसेबल विथ नोटिफिकेशन, मतलब कि आपको जब एक्सेल की फाइल भेजते हैं तो फाइल के अंदर अगर मैक्रो है तो जब उसको आप रन करते हैं तो आपसे अनेबल मैक्रो पूछेगा, जब तक आप अनेबल नहीं करेंगे तब तक आपका मैक्रो वर्क नहीं करेगा। तो आप अपने एप्लीकेशन की सेटिंग को डिफॉल्ट अनेबल कर ले, अनेबल ऑल मैक्रोज यहाँ पे, कहाँ से, तो डेवलपर टैब में मैक्रो सिक्योरिटी में अनेबल मैक्रो, क्लियर है जी। बस इसको एक बार ही करना है, हर बार नहीं करना, बस वन टाइम करना है। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक चीज से पूछ रहा था, ये डिसेबल किस लिए करता है सर? डिसेबल डिफॉल्ट होता है, हमें अनेबल करना है। ओके, माइक्रो को डिसेबल, माइक्रोसॉफ्ट जो आपको देता है एक्सेल, उसमें डिफॉल्ट और डिसेबल लगता है, हमें अनेबल करना पड़ता है। डिसेबल इसलिए रहता है, उसका रीजन यह है कि अगर आपके जानकारी के बगैर कोई माइक्रो रन हो गया तो क्या होता है कि माइक्रो के रूप में बहुत सारे वायरसेस भी आ सकते हैं। ओके, इसे माइक्रोसॉफ्ट डिसेबल करके रखते हैं, लेकिन आप अगर आपको माइक्रो यूज करना है तो अनेबल आप कर दीजिए, लेकिन जब माइक्रो अनेबल कर लेते हैं तो आप सतर्क रहिए, कोई माइक्रो फाइल रन करने से पहले एक बार आप चेक कर ले कि उसका सोर्स क्या है, मतलब फाइल आया कहां से। ओके, अब दूसरा जो तीसरा है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, फाइल को सेव करना। आप बोलेंगे फाइल को सेव करना इंपॉर्टेंट क्या है, तो जनरली लेकिन फाइल को सेव करना माइक्रो अनेबल वर्कबुक में। देखिए क्या होता है कि डिफॉल्ट आपका एक्सेल वर्कबुक टाइप होता है। गणेश जी मेरी आवाज आ रही है आपको ना सही? हाँ जी हाँ जी, क्लियर आ रहा है सब, एवरीथिंग इज फाइन। समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ जी हाँ जी। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एक्सेल वर्कबुक होता है। तो एक्सेल वर्कबुक क्या है, .xlsx का फॉर्मेट है, ये माइक्रो डिसेबल फाइल होती है, ये किसी भी तरह के माइक्रो कंटेंट को कैरी नहीं करती। तो अगर आपने मान लीजिए घंटे दो घंटे का टाइम लगाया और आपने बहुत एक बड़ी माइक्रो बनाई और उसको गलती से सेव कर दिया एक्सेल वर्कबुक में, तो क्या होगा कि आपके घंटे दो घंटे की मेहनत बर्बाद हो जाएगी और आपका माइक्रो जो है यहां से डिलीट हो जाएगा। तो माइक्रो को हमेशा सेव करना चाहिए माइक्रो अनेबल वर्कबुक। दो ही प्लेटफॉर्म है, माइक्रो अनेबल वर्कबुक या एक्सेल 97 से 2003 वर्कबुक।
बट एक्सेल 93 97 से 2003 वर्कबुक मतलब कि डॉट एक्सेलएस जो 65000 रो वाली जो प्लेटफॉर्म पहले थी वो है, तो इसमें सेव करते हैं तो जो 2007 ऑनवर्ड वाली फीचर से वो डिलीट हो जाती है। सो माइक्रो को हमेशा माइक्रो अनेबल वर्कबुक में ही सेव करें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम बार बार यहाँ चेंज करना भूल जाते हैं, तो आप जो है इसको डिफॉल्ट सेट कर सकते हो। जैसे मेरा डिफॉल्ट सेट है, मैंने कहां से किया है, एक्सेल ऑप्शन में यहां सेव के अंदर यहां आपका एक्सेल माइक्रो अनेबल वर्कबुक। अब मेरा हर फाइल इसी में जनरेट होगा और इसी में हम सेव भी कर देंगे। चेंज करने मूड है तो सेव करते समय मैं चेंज करूंगा, नहीं मूड है तो हम चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमारे नॉर्मल डेटा जो कि मैक्रो नहीं है, हमारी नॉर्मल रिपोर्ट है डेटा है, क्या उसको इसमें सेव करने से दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। माइक्रो अनेबल वर्कबुक जो है आपका एक्सेल की डेटा को भी कुछ ही इतना ही अच्छे से कैरी करता है, रखता है जैसे कि एक्सेल। जैसे आपके सामने दिख रहा होगा जो इस तरह का आइकन है ये डॉट एक्सेलएस एम है, इसके आगे राइट क्लिक करें, इसकी प्रॉपर्टीज में जाएं, इसकी एक्सटेंशन देखेंगे डॉट एक्सेलएस एम। एम मतलब मैक्रो लगा हुआ है और आइकन में आप देखिए इस तरह का एक्सक्लेमेशन मार्क है आपका, ये आपका एक्सेलएस एम फाइल मैक्रो अनेबल वर्कबुक है इसमें। लेकिन इसमें क्या है, जरूरी नहीं है कि इसके अंदर मैक्रो ही हो, नॉर्मल डेटा भी हो सकता है, लेकिन ये मैक्रो भी कैरी है। तो किसी ने फाइल भेजा उसका एक्सटेंशन एक्सेलएस एम है या इस तरह का आइकन है, तो समझ जाइए कि उसमें मैक्रो हो सकता है, अननोन वर्जन है, तो खोलने से पहले सतर्क रहे कहीं कोई किसी तरह का वायरस तो नहीं है। अब जैसे वायरस क्या होता है, जी हाँ, वायरस एडिंस के रूप में भेज देते हैं। मुझे एक बार मिला था कि ऑटोमेटिकली एक टाइम पीरियड में मेरे आउटलुक से मेरे जो कॉन्टेक्ट है उसको एक एडवर्टाइजमेंट मेल होता था, तो इस तरह की चीजें से बचेंगे। दूसरा एक फाइल होता है एक्सेलएस ए, एक्सेल एडिंस, जो कि आपको ये दिख रहा है एफयून फॉर्मूला, इस तरह का आइकन हुआ, इसका मतलब है कि ये सिर्फ मैक्रो फाइल है, इसमें डेटा नहीं है, सिर्फ मैक्रो है। इसका एक्सटेंशन होता है एक्सेलएस ए, एक्सेल एडिंस फाइल। तो एडिंस क्या होता है वो हम बताएंगे, और नॉर्मल जो इस तरह की डेटा, इस तरह का आइकन है, इसका मतलब कि नॉर्मल एक्सेल है, इसमें किसी तरह का मैक्रो नहीं हो सकता, इसमें किसी भी तरह का मैक्रो नहीं हो सकता। समझ में आ गया आप लोगों को? जी जी आ गया क्या गैरी जी? हाँ जी समझ में आ गया ना? हाँ जी हाँ जी, थैंक यू। तो माइक्रो स्टार्ट करने से पहले तीन चीजें करनी है। पहली चीज करनी है डेवलपर टैग होना चाहिए, दूसरा एनेबल कर लीजिए सिक्योरिटी को। ये दोनों आपको वन टाइम, एक पीसी पे वन टाइम ही करना है, हर बार नहीं करना है। दूसरा सेव, इसको ध्यान रखना है, फाइल को सेव करना हमेशा एक्सेलएस एम में, उसके डिफॉल्ट सेट कर लीजिए या फिर सेव करते समय इसका ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने बोला कि आप रिकॉर्ड माइक्रो को शुरू करने से पहले ही इसको कर लीजिए ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। ओके, अब बात कि माइक्रो क्या है, तो चलिए हम बात करते हैं। पहले जानते हैं VBA के बारे में। VBA है विजुअल बेसिक फॉर एरे एप्लीकेशन, सॉरी विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। ये आपका VV6 या सॉरी VV6 या VV.NET नहीं है, VV6 या VV.NET नहीं है। प्रोग्रामिंग कुछ मिलती जुलती है बट नहीं है, क्योंकि VV6 और .NET वगैरह से हम एक एप्लीकेशन को तैयार करते हैं, लेकिन VBA की मदद से हम क्या करते हैं, VBA की मदद से हम एक्सेल में या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, सिर्फ एक्सेल ही नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल, एक्सेस, वर्ड, पावर पॉइंट, आउटलुक, इन सबों में हम फीचर्स को डेवलप करते हैं, कुछ नए फीचर्स डालते हैं।
नए फीचर क्या हो सकते हैं? देखिए क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट में एक्सेल की ले लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेल ने आपको बहुत चीजें दी, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ये नहीं कह सकता कि जो चीजें दी है उससे आप अपना पूरा काम कर सकते हैं। कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होगी जिसके लिए एक्सेल में फीचर नहीं होगा या होगा तो काफी लेंदी हो। तो उसने वीवी मैक्रो प्रोग्रामिंग आपको दी थी कि आप इसको अपने हिसाब से कोड करके जो आपको चाहिए वो बना लीजिए। तो सिंपल सी बात यह है कि हम वीवी का यूज करते हैं हम अपने लेंदी और कुछ ऐसा काम जो एक्सेल में नहीं है, है या लेंदी है उसको वीवीए के थ्रू करने के लिए या उसके लिए वीवीए के थ्रू कुछ ऐसा टूल्स क्रिएट करने के लिए। क्या टूल्स क्रिएट कर सकते हैं? अगर हम मान लें कि वीवी एक फैक्ट्री है तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा? तो प्रोडक्ट यहाँ पे होगा माइक्रो। नीचे ध्यान रखिएगा, कुछ लोगों का कहना है कि वीवीए मतलब हुआ वीवीए माइक्रो या वीवीए मतलब हुआ जो हम कोड करते हैं, जो कोडिंग करते हैं वो। हेलो हेलो, वॉइस कट रही है। आपको भी कह रही जी वॉइस कट रही है? हाँ अब बताइए। गैरी जी भी वॉइस प्रॉपर आ रही है ना? हाँ जी सही है। सुबोध जी आपके एंड से प्रॉब्लम होगा। ओके, होता तो सबको होता। तो मैं बोला था कि वीवीए एक फैक्ट्री है तो उसका पहला प्रोडक्ट है माइक्रोज। कुछ लोगों की कंफ्यूजन ये होता है कि जो हम रिकॉर्ड करते हैं उसको माइक्रो कहा जाता है और जो हम कोडिंग करते हैं, जो हमने कोड किया है, ये कोडिंग किए है, इसको हम वीवीए कहते हैं। ये बिल्कुल गलत है। गलत इसलिए है कि हम रिकॉर्ड जो करेंगे वो भी वीवीए कोडिंग ही होगा और माइक्रोज जो हम लिखेंगे खुद से जो लिखेंगे वो भी वीवीए कोडिंग ही होगा। वीवीए एक लैंग्वेज है। तो रिकॉर्ड माइक्रो क्या है? रिकॉर्ड माइक्रो एक टूल्स है जो कि आपके बिहाफ पे खुद कोड कर देता है। क्या कोड करता है? तो वीवीए कोड करता है। जैसे मान लीजिए कि हमें एक नया सीट इंसर्ट करना है तो हमने क्या किया कि रिकॉर्ड माइक्रो करके एक नई सीट को इंसर्ट कर लिया, तो ये हमारा माइक्रोज वन बन गया। या फिर हम यहां खुद से एक माइक्रो लिखेंगे कि सब एमएम ब्रैकेट ओपन क्लोज और सीट्स डॉट एड आफ्टर सीट्स डॉट। दोनों कोडिंग आप देख रहे हैं सेम है, थोड़ा बहुत का फर्क होता है बट दोनों कोडिंग सेम है। इसलिए आफ्टर एक्टिव सीट किया है मैंने, आफ्टर सीट डॉट काउंट सबसे लास्ट में कर दिया। मैं भी यहाँ पे आफ्टर एक्टिव सीट कर सकता हूँ, मैं भी इस कोड को यहाँ लिख सकता हूँ। फिर भी हम जो कोडिंग करते हैं और जो रिकॉर्डिंग होता है उन दोनों में फर्क होता है। फर्क क्या होता है? जाहिर बात है कि जब रिकॉर्ड माइक्रो चलता है तो जो वीवीए प्रोग्रामिंग वो करता है वो क्या करता है, वो ऑफिशियल लैंग्वेज को यूज करता है। जैसे मान लीजिए आपको छुट्टी लेनी है, बॉस को प्रॉब्ली बोलना है तो आप सिंपल बोलेंगे कि बॉस कल छुट्टी चाहिए, कोई काम है या कुछ रीजन है या मुझे फलाना जगह पे जाना है, सिंपल से बात बोलेंगे। लेकिन इसी चीज को एक एप्लीकेशन में लिखना है तो सादे कागज पर आप थोड़ी लिख दोगे कि बॉस मुझे कल छुट्टी चाहिए कल जाना है। एक प्लेटफॉर्म को, एक परफॉर्मा को फॉलो करोगे, टू द मैनेजर्स कंपनी नेम सब्जेक्ट डियर सर थैंकिंग रिगार्ड्स लिखेंगे ना जी। क्योंकि उस आप जो लेटर लिख रहे हैं तो आप ऑफिशियल लैंग्वेज को फॉलो कर रहे हैं ना। लेकिन जब बर्बली बोलते हैं तो हम उतना ही बोलते हैं जितना सामने वालों को समझ में आ जाए। सेम चीज हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो जितना जरूरत है कोड की उतना ही रिकॉर्डिंग करते हैं, जब खुद से कोड करते हैं जितना जरूरत है उतना ही लिखते हैं। बस हमें एक्सेल को समझाना है, एक्सेल को समझ जाता है। लेकिन जब रिकॉर्ड माइक्रो चलता है
तो ये भी एक रिकॉर्ड मार्क में भी कोडिंग है, जो आप कोडिंग करते हैं वो भी कोडिंग करता है, लेकिन वो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं होता। सो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब रिकॉर्ड माइक्रो चलता है वो भी वीवी प्रोग्रामिंग के मदद से माइक्रो बनाता है, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं वो भी हम वीवी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से माइक्रो ही बनाते हैं। अब यहां पे दो क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन कि जब रिकॉर्डिंग माइक्रो खुद ब खुद कोड कर ही रहा है तो हम क्यों खाम खा वीवी को सीख रहे हैं और पैसा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो यहां पे जवाब ये आता है कि रिकॉर्ड माइक्रो जो है वो आपको एक बहुत ही छोटी सी एरिया को फुलफिल करता है, जैसे कि आपको डायनेमिक नहीं कर पाएगा, रिपीटेशंस नहीं कर पाएगा, कनेक्टिविटी नहीं कर पाएगा, कंडीशंस नहीं लगा पाएगा। सो आपको प्रोग्रामिंग सीखना है। अब इस पहले सवाल के अंदर में के जवाब के अंदर में एक और सवाल निकलता है, तो फिर इसका यूज क्या है रिकॉर्ड माइक्रो का? तो इसका यूज है, दो यूज है जिसके बारे में हम आपको आगे समझाएंगे। सो फिलहाल इसको हम यहीं पे छोड़ते हैं, आगे आते हैं दूसरे सवाल पे कि माइक्रोज आखिर है क्या। अगर माइक्रोज को मैं सिंपली बताऊं तो एक तरह से एक ऑटो पायलट है। जैसे कोई रिपोर्ट आपको बनानी है, रिपोर्ट के बनाने में 10 स्टेप को फॉलो करते हैं, उन 10 स्टेप को आपने वीवी कोड के जरिए माइक्रो क्रिएट कर दिया, नेक्स्ट टाइम जो रन बनाना होगा तो जस्ट आपको रन करना है, वो 10 स्टेप को फॉलो करके ऑटोमेटिकली रिपोर्ट बना के दे दे। तो जो काम आप घंटे भर में करेंगे उस काम को कुछ सेकेंड्स या कुछ मिनट में माइक्रोज कर दे और उसी स्टेप को फॉलो करते हैं। तो माइक्रोज जस्ट ऑटो पायलट। दूसरा आता है फंक्शन। फंक्शंस मतलब कि फॉर्मूला, ये भी हमारी जरूरत है। जैसे कि अगर आपको कोई ऐसी कैलकुलेशन है जिसके लिए फॉर्मूला नहीं है, जैसे मान लीजिए ना कि वी लुकअप ही आप लगाते हैं, तो वी लुकअप क्या करता है, अगर आपके डेटा में अगर एक आईडी 3 बार रिपीट है तो वी लुकअप आपको एक ही बार उठा के देता है। आपको तीनों को तीनों कॉमा में चाहिए या एक अलग लिस्ट में चाहिए, तो मान लीजिए उसका फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, या जो एक्सेल एरे फॉर्मूला और बाकी जो हम करते हैं वो लेंदी है, तो आप उसके लिए एक सिंपल फॉर्मेट बना लें। आपकी ग्रेडिंग कैलकुलेशन है, इंसेंटिव कैलकुलेशन है, आपकी कमीशंस है, ऐसे बहुत सारे ऐसी कैलकुलेशंस है जिसके लिए आप 8 लाइन 10 लाइन की बड़े बड़े फॉर्मूले को लिखते हैं, उस फॉर्मूले को आप सिंपल फंक्शन के जरिए बना सकते हैं। आई थिंक आप कंफ्यूज हो गए हैं कि क्या होगा। चलिए मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं। मुझे MRP निकालना है, किसका? तो हमारे पास कॉस्ट है, कॉस्ट 50 रुपीज है, मुझे इस पे MRP निकालना है। तो कैसे निकालेंगे MRP? तो मैन्युफैक्चरर क्या किया, 5% की कमीशन लेके डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया अपने कॉस्ट पे, मतलब कि मैन्युफैक्चरर ने प्लस इसको, फिर डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया कि अपना खरीद के ऊपर 10% का कमीशन रखा, प्रॉफिट मार्जिन रखा और दे दिया किसको, होलसेलर को। होलसेलर ने क्या किया, इसका 15% निकाला और अपने प्राइस में ऐड किया और दे दिया कंज्यूमर को, सॉरी इसको रिटेलर को। रिटेलर ने इसमें 20% का कमीशन निकाला, इसको दे दिया डिस्ट्रीब्यूटर, इसको कंज्यूमर को, तो फाइनली 79 रुपीज बिका। लेकिन इसकी कैलकुलेशन एक इतने बड़े बड़े सेल में हुआ, हम चाहते हैं इसमें एक सिंपल सेल में हो,
तो हम फॉर्मूला में बच्चों को सिखाते हैं फॉर्मूला मर्जिंग, हमें सिंपल कॉपी करके पेस्ट कर देना C2N, इसके जगह पे इसका फॉर्मूला पेस्ट कर देता हूं मैं ब्रैकेट में, तो कॉपी किया और यहां पे है C13, तो इसके जगह में ब्रैकेट में C13 का फॉर्मूला पेस्ट कर दिया और यहां भी C13 है तो C13 के जगह पे C13 का फॉर्मूला पेस्ट। अब यहां पे हम आते हैं इसकी फॉर्मूला इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं, इसको डिलीट कर देता हूं। देखिए धीरे धीरे फॉर्मूला मर्ज होते जा रहा है, एक्सेल में इस तरह से करते हैं, हालांकि एक्सेल का पार्ट है, बस मैं आपको कुछ कंपेयर करने के दिखा रहा हूं ये चीजें। हम फॉर्मूला मर्ज करते जा रहे हैं और बड़ा फॉर्मूला लिखते जा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं आपको 2 मिनट में समझ में आएगा। कट किया मैंने इसको, यहां पे पेस्ट कर दिया। अब देखिए इतना बड़ा फॉर्मूला हमने लिखा, तो इस तरह से अलग अलग इसलिए लिखा क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन को मैं एक बार में नहीं लिख सकता, इसलिए मैंने पहले एवलेट कर दिया, अलग अलग सेल में किया और फिर बाद में उसको कंबाइन कर लिया एक्सेल। यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल है। हम आप मान लीजिए सब एक्सपर्ट है तो कर लेंगे, लेकिन मान लीजिए आपने किसी मैनेजर्स के लिए किसी कलीग के लिए बनाया आपने, तो उनको एक्सेल में इतना फैमिलियर नहीं है, एक्सेल उतना तो आता नहीं है, तो कर ही नहीं पाएंगे। तो यहां पे हम VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग यूज करेंगे और यहां पे एक फॉर्मूला बनाते हैं फंक्शन MRP के नाम से, कॉस्ट एज ए लॉन्ग आर एज ए। अब ये सब चीजें क्या लिख रहा हूं इसको हम बाद में आपको समझाएंगे, फिलहाल इसको अवश्य इग्नोर कीजिए। हम आपको बस कंपेयरिंग करके दिखा रहे हैं कि फंक्शन क्यों बनाते हैं, क्या जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब तक जरूरत नहीं समझेंगे तब तक आप जरूरत इसका बस यहां पे और खासियत क्या होती है कि प्रोग्रामिंग में हमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। देखिए जो हमने एक्सेल में फॉर्मूला लगाया था उसको और इसमें लगाने में कितना कम टाइम लगा, फाइनली तैयार हो गया मैं। अब मैं यहां पे सिंपल MRP का फॉर्मूला लगाऊंगा, देखिए MRP आ गया, इसको सिलेक्ट किया, सॉरी ये रेंज हो गया, थोड़ा सा गलती था, अब सही रिजल्ट आ गया। अब मान लीजिए जो थर्ड पर्सन है उसको लगाना है तो इजीली यहां लगा सकता है, लेकिन इसको लगाना तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दूसरे मान लीजिए 5% की जगह पे 7% हो गया है, तो इसमें 5 को 7 करना काफी क्रिटिकल है। यहाँ पे सिंपल है कि 5 की जगह पे हमें आकर 7 कर। सो हम दूसरा पार्ट जो यूज बनता है VBA से वो बनता है फंक्शंस, और जो तीसरा पार्ट है वो है यूजर फॉर्म। यूजर अब यूजर फॉर्म क्या होता है,
इसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेस। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको पिवट टेबल लगाना होता है तो आप क्या करते हैं, पिवट टेबल पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरह का पॉपअप आता है जहां पे बहुत सारे इनपुट्स हैं। तो इस तरह का पॉपअप आप क्रिएट कर सकते हैं यूजर फॉर्म से। जरूरत क्या है, कभी कभी क्या होता है कि हम एक रिपोर्ट, बड़ी रिपोर्ट को, बहुत ही क्रिटिकल रिपोर्ट को ऑटोमेट करते हैं, जिसको कई एंगल से, सिर्फ एक ही एंगल से नहीं, कई एंगल से हमें वहां पे अपने डेटा को या अपने रिपोर्ट को लेना पड़ता है। जैसे इसी को देख लीजिए, मान लीजिए कि पिवट टेबल नाम का ही आप एक माइक्रो बना रहे हैं, तो अब इसमें क्या है कि पिवट टेबल रेंज से लेना है या अदर सोर्स, अदर डेटा सोर्स से लेना है, न्यू सीट पे लेना है या एग्जिस्टिंग सीट पे लेना है। तो अगर इंटरफेस, अगर मान लीजिए कि प्रोग्रामर ने इंटरफेस न देता तो क्या करना पड़ता, उसको 5-6 मैक्रो बनाना पड़ता। पहला पिवट टेबल विथ रेंज विथ न्यू शीट्स, पिवट टेबल विथ रेंज विथ एग्जिस्टिंग सीट, पिवट टेबल अदर सोर्स विथ न्यू शीट, अदर सोर्स विथ एग्जिस्टिंग शीट्स। तो एक कंफ्यूजन वाली बात हो जाती ना। तो उसने एक अपना ये बना दिया, एक इंटरफेस बना दिया। इससे क्या हुआ कि हम यहाँ अपना यूजर फॉर्म इंसर्ट करके अपने हिसाब से यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, जब ये रन होगा तो बाहर हमें इस तरह से शो करेगा। तो हम वीवीए के मदद से मैक्रोज, फंक्शंस और यूजर फॉर्म तीन चीजें करते हैं। माइक्रोज हमारा ऑटो पायलट होता है अपने कोई भी क्रिटिकल रिपोर्ट को ऑटोमेट करने के लिए यूज करते हैं। फंक्शन जो है, फंक्शन यूज होता है अपने हिसाब से फॉर्मूले बनाने के लिए, जो कि लगाने में इजीली हो या जो फॉर्मूले एक्सेल में ना हो। सर एक चीज मेरे को पूछना था। हेलो पूछिए। हेलो सर, ये हेलो हेलो सर, ये जो अपने यहाँ पे फंक्शंस वाला जो लगाया था, ये मैक्रो का जो स्क्रिप्ट लिखा था वहाँ पे, हेलो ना, तो सर यहाँ पे रन किए थे क्या? नहीं, फंक्शन रन नहीं होता, फंक्शन अप्लाई होता है। हमने यहाँ पे अप्लाई किया ना। ओके। मैक्रोज ने बनाया था, मैक्रोज को रन करना होता ना, मैक्रोज को मैक्रो में जाकर रन करना। यहाँ पे जो जैसे 79.695 जो हो गया, उसके लिए क्या किया इसमें, मतलब फॉर्मूले को अप्लाई किया? नहीं, फॉर्मूला अप्लाई किया। ओके। हमने अपने आप जैसे नॉर्मल फॉर्मूला, जैसे आप नॉर्मल फॉर्मूले अप्लाई करते हो, वही मैंने यहाँ भी किया। ओके। यहाँ पे सिंपल लिखे इक्वल एम आर पी और इसका इनपुट दे दीजिए। यहाँ पे जाके देखिए, इनपुट में आकर कॉस्ट, कॉस्ट दे दीजिए, यहाँ रिजल्ट आ गया। ओके ओके ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। यानी चीज समझ में आया आपको कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, फाइन। तो वीवीए की मदद से हम माइक्रोज, फंक्शन और यूजर फॉर्म यूज करते हैं, और तीनों को कहां यूटिलाइज करते हैं, ये भी समझ में आ गया। यहां सबसे बड़ी क्वेश्चन आती है कि हम माइक्रो कब, कहां और किसके लिए बनाए। देखिए, माइक्रो मैंने बोलता है कि हर चीज के लिए आप माइक्रो यूज करो। माइक्रो हमारा लास्ट डिसीजन होता है। क्यों? इसके कई सारे रीजन है। पहला रीजन ये है कि अगर आपने माइक्रो बनाया तो किसी को मेल कर रहे हो, आपने माइक्रो बनाया और किसी को मेल कर रहे हो। अब मान लीजिए आपने माइक्रो, एक फाइल में माइक्रो लगा दिया, एक फॉर्मूले से, मान लीजिए एमआरपी का ही फॉर्मूला बना दिया और 10, 20, 50 लोगों को भेज दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये फॉर्मूला वही यूज कर पाएगा जिसका सिस्टम का माइक्रो अनेबल होगा। और जैसा कि मैंने बताया कि माइक्रो बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है। अगर आपने माइक्रो लगाया और आपने टीम को भेज दिया, और टीम में ऐसे बंदे हो सकते हैं कि 10 में से 8 बंदे ऐसे हो सकते हैं जो माइक्रो यूज ना करते हो, वो माइक्रो फाइल खोलते ही उसको माइक्रो सिक्योरिटी अलर्ट दिखाएगा,
वो समझ जाएगा कि वायरस वायरस तो नहीं, फायर क्राफ्ट तो नहीं हो गया, क्योंकि वो एक्सल और वीवीएस से फैमिलर नहीं है। तो आपको उनको बताना पड़ेगा कि माइक्रो अनेबल कीजिए तब ये वर्क करेगा। तो एक एक टेंशन वाली जॉब हो जाती है। तो जब तक अत्यंत जरूरी ना हो उस फाइल पे माइक्रो यूज ना करे जो फाइल कई सारे लोगों को भेजना है। आप अपने लिए बना रहे हो तो आप जितना मर्जी उतना माइक्रो यूज कर सकते हो। दूसरा सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे, कभी कभी जैसे होता है कि हमें कोई माइक्रो अनेबल वाली फाइल भेजता है, बट जो यूजर होता है who is not familiar with the macros, उसके ऊपर वो पॉपअप मैसेज आता है enable macros, वो सिंपल क्लिक करते हैं, बट उसका ये मतलब नहीं कि we can go into the code window, सही है ना? वो हमें बस वो माइक्रो की माइक्रो अनेबल करके वो फाइल खोल देना, माइक्रो फीचर्स को रन करने की परमिशन मांगता है। ओके ना, इसका मतलब नहीं है कि आपने माइक्रो अनेबल कर दिया तो उसको प्रोग्राम खुल जाएगा, नहीं ये नहीं खुलेगा। Okay. तो इसको आप सिक्योर भी कर सकते हैं। यहाँ पे टूल्स में पासवर्ड होता है, VVM प्रॉपर्टीज प्रोटेक्शंस लॉक्ड, यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिए। ओके ठीक है। तो इसको जब तक बिना पासवर्ड के इस कोड को कोई नहीं खोल सकता, यूज कर सकता है, रन कर सकता है, बट खोल नहीं सकता, इसको एडिट नहीं कर सकता, देख नहीं सकता। ओके तो अब मैं यहाँ पे समझा रहा था आपको कि आप अपने लिए यूज करें। दूसरा चीज क्या होता है, ये डिसाइड करना कि मैं इस काम को एक्सेल से करूं या वीवीएस से करूं। देखिए दो तरह के काम आते हैं, रिपीटेड और लेंथी। अब मान लीजिए कि आपको सिंपल सा एक समरी बनाने का काम मिला है, अब उसके लिए आप वीवी यूज तो नहीं करोगे क्या सर? अब एक फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये देख लीजिए, अब आपके सामने एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं कि मेरे पास क्या है कि यहां एम्प्लॉय कोड और नेम और डिटेल्स दिया हुआ है, दूसरे सीट में उसके फोटोज दिए गए, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया कि रोल नंबर 1 डाला, एंटर मारा, तो यहां पे नेम और डिटेल आ गया, साथ में उसका फोटो भी आ गया जो सीट नंबर 4 में दिया हुआ है। वन का आगे वन का फोटो, अब मान लीजिए मैं 3 डालता हूँ, 3 मेरे फोटो है ना, यहाँ पे मैं 3 किया तो 3 की डिटेल्स वीलुकअप सूट के आ गए और 3 का फोटो भी आ गया। इसको हम लोग पिक्चर लुकअप करते हैं, इसके लिए हमने कोई वीवीए प्रोग्रामिंग यूज नहीं किया हुआ। तो जब मान लीजिए कि ये काम विदाउट वीवीए हो रहा है तो हम वीवीए यूज क्यों करें? क्या कह लीजिए, सही रहेगा? हाँ जी सही है, वीवीए से एक्सेल से हो रहा है। लेकिन अब मेरे पास एक प्रॉब्लम और है कि यहां मेरा जो फोटो है वो फोटो एक्सेल सीट पे नहीं पड़ा है, क्योंकि एक्सेल सीट पे इस तरह से फोटो रखूंगा तो काफी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि इस तरह से सेट करके मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा ना, सब रखना पड़ेगा। लेकिन मुझे सारे फोटो एक फोल्डर में दी गई है यहां, ठीक है। मैं चाहता हूं कि अगर मैंने अपना अपने डेटा पे यहाँ पे PIC पे अगर मैं 1 डाला, एंटर प्रेस किया, तो ऑटोमेटिकली 1 का जो फोटो है 1 का डिटेल आ गया, तो वीलुकअप से आ गया, और 1 की जो फोटो है मतलब 1.jpg मुझे यहाँ पे दिखना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे 2 डाला, 2 के साथ एंटर किया तो 2 का फोटो, 3 डाला तो 3 का फोटो। अब प्रॉब्लम है कि ये चीज वीवीएस से नॉर्मल एक्सेल से पॉसिबल नहीं था, मैनुअल करना पड़ता। तो यहां पे मैंने वीवीए प्रोग्रामिंग यूज किया, राइट क्लिक व्यू कोड, यहां पे देखिए मैंने वीवीए यूज किया हुआ, ठीक है। तो वीवीए का यूज करना है रिपीटेड जॉब या लेंदी जॉब। अब बोले लेंदी जॉब क्या होता है, तो चलिए उसके लिए हम एक यूज करते हैं माइक्रो। एक एग्जांपल देता हूं कि लेंदी जॉब क्या होता है।
एक एग्जांपल आपको लंदी जॉब का भी देता हूं। अच्छा ये अभी एक मिनट में मेरा ये जूम बंद हो जाएगा तो आप दोबारा से रीज्वाइन कर लीजिएगा प्लीज। ओके पैतालीस मिनट का सेट है ना इसलिए। डेटा में कॉपी पेस्ट कर रहा हूं।